जैसे कोई भी गाना गाना है आपको, तो उसमें कौन सा सुर लगा है, उसका भाव क्या है, सुर का शब्द का नहीं बोल रहा हूं मैं, सुर का भाव क्या है वो पहले ध्यान रखना है। रागों का रस कैसे बनता है, मेरा तो यही एक्सपीरियंस है कि इससे बेहतरीन और कोई वर्कशॉप हो ही नहीं सकती। और गुरुजी तो मतलब वो उनके लिए शब्द नहीं है, वो चहुमुखी प्रतिभा के धनी है। वो जिस भी जॉनर की चीज़ गाते हैं, फिल्मी गाने गाए तो वो लगते जैसे कोई प्लेबैक सिंगर ही गा रहा हो, क्लासिकल गाते हैं, और उससे भी बड़ी बात एक एक घराने की एक एक छोटी छोटी विशेषता उन्होंने इस वर्कशॉप में बताई, बता तभी सकेंगे जब उसको उसकी उनको जानकारी हो। तो वो उन्होंने एक एक चीज़ को इतनी बारीकी से देखा है, और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बारीकी से देख सकते हैं, बट जहाँ बात आती है खुद से उस चीज़ को, उस चीज़ का एग्जीक्यूशन करने का, उस चीज़ को प्रस्तुत करने का नहीं कर पाते हैं। लेकिन सर का एक एक चीज़, वो हर चीज़ को उतनी ही, ऐसा लगता है अगर वो ठुमरी गाते हैं तो लगता है कि जैसे कोई ठुमरी कलाकार ही है, वो क्लासिकल गाते हैं तो लगता है, बंदिश गाते हैं तो लगता है कि ठेठ क्लासिकल गाने वाला ही व्यक्ति होगा जो और कुछ गाता ही नहीं होगा, भजन गाते हैं तो ऐसा लगता है कि वाह अंदर तक चीज़ें उनकी चली जाती हैं। और एक एक घराने की चीज़ की किस तरह से किराना घराने में एक एक स्वर को कैसे लेते हैं, या जयपुर घराना कैसे चलता है, या ग्वालियर घराना कैसे चलता है, या आगरा घराना कैसे चलता है, हर घराने की एक एक विशेषता, तो ये बहुत बहुत बड़ी बात है जो किसी एक व्यक्ति में इतने इतने विशाल रूप में और एकदम क्लियर एकदम पारदर्शिता के साथ मिल सके, ये असंभव है। और सचमुच में ये गुरुदेव की कृपा है, स्वामी समर्थ की कृपा है कि जिनकी वजह से हम लोग सर से मिल सके हैं, वरना हमारी उतनी हैसियत भी नहीं थी कि हम सर के दर्शन भी कर पाते। ये उन्होंने जिससे उन्होंने मिलवाया है सर से, जिस जिसको उन्होंने चाहा कि वो सर से मिले, वो सब बारी बारी से सर से मिले हैं, ये उनकी कृपा है। बस मैं तो धन्य हो गई हूँ आज की वक्त। मैं संदीप सिन्हा इस वर्कशॉप का एक साधक के तौर पर मैं उपस्थित हूँ। दो दिन का जो अनुभव रहा वो बहुत कमाल का रहा है। गुरु जी को साक्षात देखने का मौका मिला जो अब तक ऑनलाइन क्लासेस के थ्रू हमें उन्हें देख पा रहे थे और उनसे रूबरू उस तरीके से हो रहे थे, लेकिन वर्कशॉप में उनका सामने आना बिल्कुल साक्षात एक ईश्वरीय दर्शन के समान रहा। और जो चीज़ें हम लोगों ने सीखी हैं वो तो खैर कमाल की थी, क्योंकि हंकार लगाना जो सबसे महत्वपूर्ण एक जो चीज़ हमने सीखी है वो शायद हमारे लिए एक नए जन्म लेने के समान ही है, क्योंकि उससे लगता है कि हमारी गायकी जो है वो उसे बहुत निखार आ सकता है और डेफिनेटली आएगा भी। तो थैंक यू। वर्कशॉप में तो मतलब एक तो वो हर किसी को कस्टमाइज तरीके से सिखाते हैं, मतलब कि हर किसी की क्या प्रॉब्लम है एग्जैक्ट उस बिल्कुल सटीक तरीके से उसको बताते हैं कि हाँ तुम्हारी ये प्रॉब्लम है, एंड इसलिए हर किसी को हेल्प मिलती है, मतलब चाहे वो छोटा सा बच्चा लाइक इन द सेंस कि टीनेजर हो, चाहे वो 60 इयर्स के हो या फिर मेरे जैसे हो, मतलब तो इट्स लाइक इट इज़ बेनिफिटिंग एवरी वन। एंड जो पलटे कराते हैं, जो इनोवेशंस वो कराते हैं, मतलब हम जानते हैं सारे गेम पता नहीं सर, लेकिन उसमें जो वो खोज खोज के जो एक्सपेरिमेंटेशन करते हैं, हम खुद अपना दिमाग चलाएं, खुद डिस्कवर करते रहें, एक्सप्लोर करते रहें, एक आर्टिस्ट बन पाए सबसे बड़ी बात है, तो वो एक जो कला है वो गुरुजी सिखाते हैं, और वो सच में कोई नहीं सिखाता, मतलब मेरे लिए इट्स लाइक बहुत कृपा है जो मुझे इतना अच्छा एक्सपीरियंस करने का मौका मिला, और अब तो जीवन भर जुड़े रहना। Yeah.
वर्कशॉप अटेंड की, जो सीखने को मिला वो गुरु के साथ जो बैठने से सीखने को मिलता है उसकी तुलना अगर हम किसी भी चीज़ से करेंगे वो व्यर्थ है। अगर आप गुरु के चरणों में बैठकर सीखेंगे, कैसे सीखेंगे, क्या करना है, कैसे जाना है, आपको स्वर कैसे लगाना है, जो सबसे मुद्दे की बात है कि आपने स्वर कैसे लगाना है, जो एक जो सही गाइडेंस है जो हमें जो मिलनी चाहिए, जो संगीत सीखने वाले हर बच्चे को मिलनी चाहिए, वो हमें यहाँ मिली है। धन्यवाद। इतना मज़ा आया, पर हंकार कैसे लेना, कैसे सुर लगाने, इतना सर इतनी अच्छी तरह समझाया, इतना अच्छा लग रहा है ना कि, और आज तक मैं सच बोलती हूँ बिल्कुल क्लासिकल के लिए ऐसा था कि मैं ये जिंदगी में सीख नहीं पाऊँगी, क्योंकि सर के पास साथ रहेगी क्लासिकल कैसे गाना, मेरे को बहुत सेटिस्फेक्शन। और सच्ची मैं ये जिंदगी तो उन्हीं के सहारे जीने वाली हूँ। थैंक यू सो मच। नागपूरवरून आलं, सरांचा इथे 2 दिवसाचा वर्कशॉप होता, 25 आणि 26 तारखेसाठी आलो। खूप आउटस्टँडिंग वर्कशॉप झाला, सरांनी खूप काही काही शिकवलं स्वरांबद्दल, गाणं कसं म्हणायचं, अहंकार कसा म्हणायचा, अनवॉन्टेड गोष्टी काय असतात, रियाज कशा करायची, संध्याकाळची रियाज कशी करायची, रातगारी कशी गायची, स्वरांचा भाव काय आहे, पलटे कसे करायचे, या गोष्टींमुळे खूप आनंद झाला। आमची जी शिकवण्याची पद्धत आहे खूप खूपच एकदम म्हणजे अप्रतिम आहे। सर गुरु आणि शिष्य अशी म्हणजे असं नातं ठेवत नाही, नातं त्यांचं असं असतं जसं काय एक मोठा भाऊ धाकट्या भावाला शिकवतो आहे किंवा एक वडील आपल्या मुलाला शिकवत आहे। तर जो कोणी सरांकडनं शिकू इच्छितात त्यांनी जरूर ह्या ह्यांच्या शिक्षणाचा लाभ घ्यावा अशी माझी इच्छा आहे। आणि मला खूप चांगलं वाटलं 2 दिवसात सरांचा सहवास लाभला, तरी हा पुढे पण असाच सहवास लाभत राहो अशी स्वामी समर्थांकडे माझी इच्छा आहे। नमस्कार।